प्रेजेंटेड बाई एग्रीकल्चर क्लासेस मोरेना, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सब्जेक्ट फसल उत्पादन, चैप्टर फर्स्ट जल निकास, अंक 4। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मोरेना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फसल उत्पादन का अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसकी दो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है जल निकास। जल निकास को इंग्लिश में ड्रेनेज भी बोलते हैं, वाटर ड्रेनेज। ठीक, तो फसल उत्पादन चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जल निकास, और इसमें मैं दो वीडियो आपको भेज चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कब वीडियो डाले और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी पढ़ाई आसानी हो सके। और लाइक कमेंट में मुझे भेजते रहिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम अगला प्रश्न हम कौन सा पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। भूमि में अत्यधिक जल से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए, यानी भूमि में ज्यादा पानी होता है उससे हमारे खेतों में कौन कौन सी हानि होती है उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिख देता हूं, पर भूमि में अतिरिक्त जल से होने वाली हानियां लिखिए। भूमि में ज्यादा पानी से कौन कौन सी हानियां होती हैं उनके बारे में मैं इस प्रश्न में आपको बताने वाला हूं। तो वही देखिए, पहला पॉइंट है वायु संचार में बाधा उत्पन्न होती है। वायु संचार में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। जो हवा का संचार है, मिट्टी में वायु का संचार है, उसमें क्या होती है, पानी भरा रहने की वजह से क्या होता है, वायु संचार में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे नीचे भूमि के ऊपर पानी भरा हुआ है और वायु नीचे से ऊपर, नीचे वायु नहीं होती है जिसकी वजह से जड़ें आदि गहराई तक नहीं जा पाती। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वायु संचार में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। नंबर दो, तापमान कम हो जाता है, यानी जो मिट्टी का तापमान है, भूमि का जो तापमान है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से, जब ज्यादा दिनों तक खेतों में से हम पानी को नहीं निकालेंगे, भूमि में अत्यधिक जल भरा रहेगा, तो जो खेतों में का जो तापमान होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर तीन, हानिकारक लवणों का एकत्रित हो जाना, खेतों में क्या है, जो हमारे खेतों में पानी भरा रहता है इसकी वजह से क्या होगा, जो हानिकारक लवण होंगे वो क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाते हैं, यानी हानिकारक लवणों का एकत्रित हो जाते हैं, यानी खेत में हानिकारक जो लवण होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, खेत में हम अच्छी फसल नहीं ले सकते। अगला है नंबर चार, कृषि क्रियाएं समय पर न हो पाना। कृषि क्रियाएं समय पर न हो पाना, यानी कृषि क्रियाओं का मतलब होता है खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं, जैसे जुताई करना, गुड़ाई करना, बीज बुवाई करना आदि जितनी भी कृषि क्रियाएं होती हैं, कृषि का कार्य होता है शुरू में, तो वो जब तक खेतों में पानी भरा रहेगा, जब तक आप कृषि क्रियाएं आसानी से नहीं कर पाओगे, तो ये भी क्या है,
नुकसान है, अतिरिक्त जल से होने वाली हानि है। ठीक, चार पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और मैं बता दूं, पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम, हानिकारक भूमि में हानिकारक रोग व कीटों का आक्रमण होना। भूमि में क्या होते हैं, जब खेतों में पानी रहेगा, भूमि में पानी भरा रहेगा, तो जो हानिकारक कीट होते हैं, रोग होते हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, जन्म ले, पानी में यानी विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वो जन्म लेते हैं और वहां पर रहकर पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनका आक्रमण अधिक होता है और इसकी वजह से यानी इनकी अधिकता भी रहती है, और ये क्या, इसकी वजह से भी क्या होता है, भूमि में अत्यधिक जल से ही ये हानियां होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूमि में अत्यधिक जल से होने वाली हानियों को बताइए। तो भूमि में ज्यादा पानी से खेतों में क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, तो वो हम देखते हैं। नंबर एक, वायु के संचार में बाधा होती है, यानी हवा का जो संचार है वो आसानी से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जड़ें कैसी रह जाती है, उथली रह जाए, और हल्की से हवा चलने पर पौधा गिर जाता है। तापमान कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मिट्टी का कम हो जाता है। हानिकारक रबड़ों का एकत्र, खेतों में चारों तरफ से जो हानिकारक रबड़ होते हैं वो एकत्रित होकर खेत में जो निचला खेत होता है उसमें आ जाते हैं, जहाँ ज्यादा पानी भरा रहता है। कृषि क्रियाएं समय पर न हो पाना, खेतों में जो कृषि कार्य होते हैं, जैसे जुताई बुराई बुवाई आदि कार्य होते हैं, जब तक खेतों में पानी भरा रहेगा तो हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो इन्हें करने के लिए हमें खेत से पानी निकालना पड़ेगा। भूमि में हानिकारक रोग और कीटों का आक्रमण होना या उनकी अधिकता होना, भूमि में क्या हो, जो हानिकारक कीट है, रोग है, वो क्या करेंगे, वहां पर आक्रमण करेंगे, या इनकी अधिकता से क्या होगा, नुकसान होगा फसलों को, तो ये हमारा प्रश्न था। ठीक, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी पूरी क्लास लेनी है, पशुपालन, पीसीएमबी, फसल उत्पादन, तीनों का पूरा सिलेबस चाहिए, तो आप मुझे जूम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं जूम ऐप के द्वारा भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर आप मुझे जूम ऐप के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं एक अगला प्रश्न और पढ़ाने वाला हूँ, खुली तथा भूमिगत नालियां खोदते या बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, खुली व भूमिगत नालियां बनाते समय समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, कई खुली नालियां, खुली नालियों को हम भूमिगत नालियां भी बोलते हैं, क्योंकि वो भूमि के अंदर बनी हुई होती है। तो खुली व भूमिगत नालियां बनाते समय, यहाँ पर खोदते समय भी लिख सकते हैं, क्या, बनाते समय या खोदते समय, यानी या तो हम बना रहे हैं या खोद रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें रहती। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में पहला पॉइंट लिखते हैं कि भूमि के प्राकृतिक ढाल का ध्यान रखना चाहिए। फिर पहला पॉइंट क्या है, जो भूमि है, हमारा जो खेत है, उसमें जो प्राकृतिक ढाल है उसका हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे खेत का ढाल किधर, खेत का ढाल इधर है, नालियां इधर बनाए तो कैसे काम चलेगा। जिस तरफ ढाल हो, हमारे खेत का प्राकृतिक ढाल, प्रकृति के द्वारा जो दिया गया ढाल है, उसी का ध्यान सबसे पहले हमें रखना चाहिए। नंबर दो, खेतों में
मुख्य नाली व सहायक नाली सीधी बनानी चाहिए। जो खेत में खेतों में क्या है, जो मुख्य नाली है, दो प्रकार की नालियां बनाएंगे हम, एक तो मुख्य नाली होगी और एक कैसी होगी, सहायक नालियां होंगी। तो मुख्य नाली और सहायक नाली हमेशा कैसी बनानी चाहिए, सीधी बनानी चाहिए, जिससे पानी आसानी से निकल सके। टेढ़ी मेढ़ी बनेगी तो आधी रुकावट होगी, और जब खेतों में मुख्य नाली और सहायक नाली कैसी होंगी, सीधी होंगी, तो यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं होगी। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तीसरा तीसरा पॉइंट है, सहायक नालियों में भाग अधिक रखना चाहिए। जो सहायक नालियां हैं हमारी, जो सहायक नाली है, मुख्य नाली बना रहे हैं और सहायक नाली बना रहे हैं, तो सहायक नाली जो होती है उसमें ढाल कैसा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे ऊपर से पूरा पानी इस मुख्य नाली में आ जाए। अगर ढाल कम होगा तो क्या होगा, नाली और इसका दोनों का बराबर होगा तो उस नाली में भी पानी भरा रहेगा। इसलिए हमें जो मुख्य नाली है वो, सॉरी सहायक नाली है, उसमें क्या है, ढाल अधिक देना चाहिए, जिससे मुख्य नाली में पूरा का पूरा पानी नाली का चला जाए। ठीक, जिससे क्या है, खेत का पूरा पानी आसानी से निकल जाए। ठीक, नंबर चार, मुख्य नाली तथा सहायक नालियां नालियों को 90 डिग्री के कोण पर मिलाना चाहिए। जो मुख्य नाली है और सहायक नाली है, जब मुख्य नाली और सहायक नालियों से, मुख्य नालियों को जब सहायक नालियों से मिलाएंगे तो कितने डिग्री के कोण पर मिलानी चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर मिलानी चाहिए। तो 90 डिग्री कोण होता है, तो उसके बारे में आपको बता दूं, ये जो हमारा पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 में से अभी एक दो भाग हो गए तो कितने कितने के बने, 80-80 के बने, 180-180 के, और जब इसके चार भाग कर लिए तो कितने के हो गए, 90-90 के, ये 90 का हो गया, 90 का ये हो गया, 90 और 90, तो 9×36 360 डिग्री का पूरा रहता है। अब ये वाली आकृति होनी चाहिए, यानी एल एल बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। यानी हमेशा कैसे कोण पर बनाना चाहिए, इस तरीके के कोण पर एक नाली से दूसरी नाली को मिलाना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो मुख्य नाली तथा सहायक नाली को कितने डिग्री कोण पर मिलाना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर मिलाना चाहिए। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि जल निकास नालियों की दूरी, जल निकास नालियों की दूरी रेतीली मृदा में नहीं, जल निकास नालियों की दूरी रेतीली मिट्टी का मतलब है, हल्की मिट्टियां भी बोल सकते हैं, रेतीली मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो, इन मिट्टियों में क्या है, जो पानी के साथ तीव्रता से घुलती है, ऐसी मिट्टियों में हमें जो रेतीली मृदा में दूरी कितनी रखनी चाहिए, 40 से 45 मीटर तथा काली मिट्टी है, ठीक है, और या हम बोले चिकनी मिट्टी, यहाँ पे जो दूरी रखेंगे एक एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 20 से 25 मीटर रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करवाता हूँ आपको,
क्या है? तो देखिए दोस्तों, खुली व भूमिगत नालियां बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खुली नालियां बनाते समय हमें कौन कौन, या खोदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो पहला, सबसे पहले हमें जो खेत है हमारा उसमें भूमि के प्राकृत ढाल का ध्यान, यही जो हमारा खेत है उसका ढाल किधर की तरह है, प्रकृति का ढाल जो प्राकृतिक, यानी उसमें खेत पहले से देखें कि प्राकृतिक ढाल उसका किस तरह है, उसी के अनुरूप हमें नालियां बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, खेतों में जो मुख्य नाली है और सहायक नाली हमेशा कैसी बनानी चाहिए? सीधी बनानी चाहिए। ये दोनों दोनों कैसी है? सीधी। तो खेतों में मुख्य नाली या सहायक नाली कैसी बनानी चाहिए? हमेशा सीधी बनानी चाहिए। नंबर तीन, सहायक नालियों में ढाल अलग रखना चाहिए। जो सहायक नालियां हैं, जैसे ये मुख्य नाली है और ये सहायक नाली है, ये तो इसमें क्या ढाल थोड़ा अधिक होना चाहिए, जिससे क्या है इस नाली का पूरा पानी इसमें सहायक मुख्य नाली में चला जाए। ठीक। नंबर चार, मुख्य नाली तथा सहायक नालियों को 90 डिग्री के कोण पर मिलाना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण मैंने अभी बताया था एल आकार, यानी एक नाली ये बनी है, ये मुख्य नाली हो गई, ये सहायक नाली इसमें जाके मिल गई, तो कैसे आकार बन रहा है? एल आकार बन रहा है, या यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी, ठीक है, या यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी, ये एल आकार बनता है। 90 डिग्री का कोण मैंने आपको कोण बना के अभी बताया था। जल निकास नालियों की दूरी रेतीली मिट्टी में या हल्की मिट्टी में बोल सकते हैं, जो पानी के साथ जल्दी से घुल जाती है, ऐसी मिट्टियों में क्या करेंगे? दूरी नाली, एक नाली ये बनी हुई है, इस नाली से इस नाली की दूरी कितनी रखेंगे? कैसी मिट्टी होगी? हल्की मिट्टी होगी या रेतीली मिट्टी होगी? 40 से 45 मीटर रखते हैं, ठीक है, हल्की मिट्टियों में या रेतीली मिट्टी। और जब मिट्टी कैसी हो, चिकनी हो या काली मिट्टी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक नाली से दूसरे नाली की दूरी कितने रखते हैं? 20 से 25 मीटर रखते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों प्रश्नों को पढ़ें, पिछले वीडियो भी आप मेरे देख सकते हो, जो लोगों ने नहीं देखे पिछले वीडियो तो वो आप पिछले वीडियो भी मेरे देख सकते हो। ठीक है, तो और अगर आपको कोई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हो, और अच्छे अच्छे वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे उसमें बता सकते हो कमेंट में, और आपको क्या दिक्कत है उसके बारे में भी मेरे को बता सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्यों, इससे मेरा कुछ नहीं है, परंतु आप लोगों को इसके द्वारा क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे ही मैंने वीडियो डाला वैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी एक घंटी रहती है उसमें, उसको उसमें कर लें, और ठीक है उसको भी दबा दें, जिससे सारे के सारे जितने भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास मैसेज के माध्यम से YouTube पे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन लोगों तक भी इस लॉकडाउन के समय में, जब कोचिंग नहीं खुल रही है, तो इस समय बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए भी दिक्कत है उनकी पढ़ाई के लिए, तो इसके लिए वो आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।